हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि पीएन सन डायोड जो होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जो पीएन सन डायोड होता है उसको अग्रदिशिक संयोजन कैसे करते हैं और उसका पश्चदिशिक संयोजन क्या होता है। अग्रदिशिक संयोजन में क्या होता है, अग्रदिशिक संयोजन में जो धारा होती है बाह्य परिपथ में बहती है, यानी जो पीएन सन डायोड होता है अग्रदिशिक संयोजन होने पर बाह्य परिपथ में धारा को बहने देता है, लेकिन जब यह पश्चदिशिक होता है, पश्चदिशिक संयोजन में क्या करता है, यह बाह्य परिपथ में धारा को नहीं बहने देता है। अग्रदिशिक संयोजन में क्या हुआ था, प्रतिरोध न्यूनतम था, जो पीएन सन डायोड था उसका प्रतिरोध न्यूनतम था, लेकिन जो पश्चदिशिक होता है, पश्चदिशिक संयोजन में क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए धारा को क्या करता है, बहने नहीं देता है। अग्रदिशिक संयोजन क्या कहलाया था, जब पीएन सन डायोड के पी क्षेत्र को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े थे और एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़े थे, तो वो क्या बना था, आपका अग्रदिशिक संयोजन बना था, फॉरवर्ड वायर्ड बना था ये। और उसके बाद क्या हुआ था, पश्चदिशिक में क्या होता है, जब पी क्षेत्र को हम लोग बैटरी के एन से जोड़ेंगे, एन टर्मिनल से जोड़ेंगे, निगेटिव से जोड़ेंगे और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तब इस तरह का जो संयोजन होगा उसे हम लोग पश्चदिशिक संयोजन कहते हैं। पश्चदिशिक संयोजन में करंट फ्लो नहीं होता है, बाह्य परिपथ में करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि जब पीएन सन डायोड जो होता है, पीएन सन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह हम लोग कैसे यूज में लाते हैं। अर्ध तरंग दृष्टकारी, दृष्टकरण माने क्या होता है कि धारा को एक दिशा में फ्लो कराना। एक दिशा में फ्लो कराने का मतलब क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में क्या करना, परिवर्तित कर देना। तो ये अर्ध तरंग दृष्टकारी है। अर्ध तरंग माने आधी तरंग को ही खाली दृष्टकरण करेगा, मतलब आधी एसी तरंग को क्या करेगा, डीसी में क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। पीएन सन डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह, अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह कैसे यूज करेंगे हम लोग, दृष्टकारी की तरह इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ना, पीएन सन डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी की तरह यूज कैसे करेंगे। तो देखते हैं पीएन सन डायोड जो होता है, इसका पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस करेंगे हम लोग, इसको अग्रदिशिक संयोजन करेंगे। अब मान लीजिए कोई पीएन, अब ये समझ रखिएगा, जो पीएन सन डायोड होगा जब वो अग्रदिशिक होगा तो धारा को फ्लो होने देगा, प्रतिरोध न्यूनतम होगा। जब वो पश्चदिशिक होगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा अधिकतम होगा, धारा को फ्लो नहीं होने देगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए निम्न एसी को अगर हमको डीसी में बदलना है तो निम्न एसी से निम्न डीसी ही मिलेगा, निम्न एसी से निम्न डीसी ही मिलेगा। और अगर क्या करना, उच्च एसी को हमको क्या करना है, डीसी में बदलना है, तो उच्च एसी से उच्च डीसी मिलेगा। तो निम्न को उच्च में बदलने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, अगर मान लीजिए हमको निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज बदलना है तो हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे, माने निम्न को ऊंचाई पे ले जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। और अगर निम्न वोल्टेज, अगर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज बदलना है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर, लगाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, लगाते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली होगी इसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है ना, ये लव क्रोड होते हैं, ये लव क्रोड क्या होते हैं, ये सब आप ट्रांसफार्मर में देख चुके हैं ना। इसके बाद क्या होता है, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है, यहां पे क्या होगी, द्वितीय कुंडली लगाएंगे, इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपका बनेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बन जाएगा इस तरह से ना। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा,
हम लोगों को जो वोल्टेज लगाना है प्राथमिक कुंडली पे ही लगाना है, ये प्राथमिक होती है और ये क्या होती है सेकेंडरी होती है। तो हम लोग को जो लगाना है निवेशी वोल्टेज लगाना है, निवेशी वोल्टेज इसी पे लगाना है, जिस वोल्टेज को निवेशी, देखिए जिस एसी वोल्टेज को हमको कन्वर्ट करना होगा उसे हम लोग क्या करेंगे इसी पे लगाएंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा उसको प्राथमिक कुंडली पर ही लगाते हैं। ये जो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली का ये सिरा अप वाला है, ये सिरा डाउन वाला है, डाउन वाला है। जो एसी करंट होता है, एसी करंट किस तरह से फ्लो होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है माइनस होता है, इस तरह से होता है ना, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमको क्या करना है एसी को डीसी में बदलना है, अर्ध तरंग को ही बदलना है, यहां पे क्या करेंगे एक टू हम लोग लगा देंगे डायोड लगा देंगे, एक डायोड लगा देंगे, डायोड यानी पीएन सन डायोड लगा देंगे। पीएन सन डायोड का जो प्रतीक होता है, प्रतीक कैसा होता है देखिए, इसका जो प्रतीक होता है ये तीर की तरह होता है, ये तीर वाला पोर्शन क्या शो करता है पी क्षेत्र को शो करता है, और ये जो आपका प्लेट होता है ये बताता है एन क्षेत्र को, ये वाला पी होगा और ये वाला क्या होगा एन होगा, एन होगा। तो इस तरह से ये पीएन सन डायोड है, ये पीएन सन डायोड है। इसको क्या किए हम लोग बाहर निकाल करके यहां ले करके एक लोड प्रतिरोध, उस प्रतिरोध को जोड़ दिए जिसके सिरों पे हमको क्या करना है डीसी विभवांतर लाना है। यहां पे क्या करते हैं एक लोड प्रतिरोध हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं आरएल ना, कोई बड़ा प्रतिरोध हम लोग ऐड कर देते हैं। इसके इस सिरे को ला करके हम लोग कुंडली के एस टू सिरे से जोड़ देते हैं, ये द्वितीय कुंडली के एस टू सिरे से, ये सिरा क्या होगा एस वन होगा। अब जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टेज कहां मिलेगा आपको इस प्रतिरोध के सिरों पर मिलेगा, निर्गत वोल्टेज इस प्रतिरोध के सिरों पर मिलता है। मान लीजिए ये निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज आपका ऐसे चलेगा ना, ये निवेशी वोल्टेज आपका होता है इस तरह से, ये निवेशी वोल्टेज है ना, ये निवेशी वोल्टेज होता है, निवेशी मतलब जो वहां पे हम लोग लगाए हैं निवेशी है, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों पे चल रहा है, निवेशी वोल्टेज यहां पे हम लोग लगाए हैं। ये जो वोल्टेज लगा आपका निवेशी ही लगा है, एसी एसी वोल्टेज लगा है, निवेशी वोल्टेज उसी को हम लोग बोला जाता है। इस तरह से ये वोल्टेज क्या हो रहा है बदल रहा है, ये निवेशी वोल्टेज हुआ। निर्गत वोल्टेज कैसे मिलेगा अभी हम लोग इसको क्रिया को समझते जाएंगे, इसकी क्रिया को समझते जाएंगे और यहां पे हम लोग बनाते जाएंगे। इस तरह से ये होगा, ये चीज आपका बनके तैयार हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया इसका रचना, रचना में इसको आपको लिखना रहेगा भाई, अगर ये बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, अर्ध तरंग या पूर्ण तरंग निष्कारी की तरह कैसे यूज में लाते हैं, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षा से की दृष्टि से क्या बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे अब अर्ध तरंग निष्कारी की तरह इसको यूज करना है, तो इसका रचना क्या लिखोगे, रचना इसी तरह लिखेंगे कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई है क्योंकि प्राथमिक में कम फेरे और सेकेंडरी में क्या है अधिक फेरे हैं, ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे हैं, ये निम्न वोल्टेज को किसे बदलेगा उच्च वोल्टेज में, इसमें निम्न फेरा इसमें उच्च फेरा, तो ये निम्न को उच्च में बदलेगा, निम्न वोल्टेज को उच्च में वोल्टेज में बदलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली के सिरे S1 से क्या करते हैं एक डायोड पीएन सन डायोड को हम लोग चित्रानुसार क्या करते हैं जोड़ देते हैं, या जो पीएन सन डायोड होता है उसके पी क्षेत्र को हम लोग S1 से जोड़ देते हैं, तथा इसके एन यन सिरे से क्या करते हैं एक लोड प्रतिरोध जोड़ते हुए इसका दूसरा सिरा लगा करके हम लोग कुंडली के द्वितीय कुंडली के एस टू सिरे से जोड़ देते हैं, एस टू सिरे से जोड़ देते हैं। ये आपको इसके रचना में लिख देना है ना, इतना इसका रचना हो जाएगा। फिर इसकी क्रियाविधि हम लोग लिखेंगे, क्रियाविधि ऐसे हेडिंग डालकर आप लोग लिखोगे क्रियाविधि, तो क्रियाविधि को आप समझते जाए
और अपने आप से क्या करें, वीडियो पॉज करके इसको अपने आप से क्या करें, लिख डालें। देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं प्राथमिक कुंडली पर कोई निवेशी एसी वोल्टेज, ये निवेशी एसी वोल्टेज है ना, एसी वोल्टेज है, निवेशी एसी वोल्टेज है, जब प्राथमिक कुंडली, जब उच्चाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पर हम लोग कोई निवेशी एसी वोल्टेज लगाते हैं तो कुंडली द्वितीय कुंडली से वो निवेशी वोल्टेज का जो निम्न वोल्टेज था वो किसे बदलेगा, उच्च वोल्टेज में। तो द्वितीय कुंडली से, द्वितीय कुंडली के से S1 क्या होगा, एक बार धनात्मक होगा, जब ये धन होगा तीसरा क्या होगा, ऋण होगा। देखो एक बार धन होता है, एक बार नीचे क्या होता है, ऋण होता है। तो द्वितीय कुंडली का सिरा S1 जब क्या होगा, धनात्मक होगा, तो पीएन सन डायोड क्या होगा, आपका अग्रदिशिक होगा। मैं भी बताया हूं कि जब पीएन सन डायोड क्या होता है, अग्रदिशिक होता है, तो बाह्य परिपथ में करंट को क्या करता है, फ्लो करने देता है। तो पीएन सन डायोड जो होगा वो अग्रदिशिक होगा, इस कारण से क्या करेगा, ये धारा को क्या करेगा, फ्लो होने देगा, पी से एन की तरफ ये करंट फ्लो होगा, इसमें डीसी करंट फ्लो होगा, पी से एन की तरफ करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर एक विभवांतर मिलेगा, यानी जब सिरा एस वन क्या हुआ, धनात्मक हुआ, तो आपको क्या हुआ, निर्गत वोल्टेज मिला। देखिए निर्गत वोल्टेज यानी जो ऊपर वाला सिरा था ये निर्गत वोल्टेज का है, तो निर्गत वोल्टेज आपको ये प्राप्त हुआ। जब सिरा S1 धनात्मक हुआ तो क्या हुआ, पीएन सन डायोड अग्रदिशिक हुआ, अग्रदिशिक होने के कारण लोड प्रतिरोध के सिरों पर क्या हुआ, आपको एक वोल्टेज मिला। उसके बाद क्या होता है, दूसरे अर्धचक्र में, ये तो पहला अर्धचक्र है, दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है, जब सिरा S1 ऋणात्मक होता है और ये क्या होता है, धनात्मक होता है, दूसरे अर्धचक्र में जब S1 ऋणात्मक होगा S2 क्या होगा, धनात्मक होगा। जब S1 ऋणात्मक होगा तो जो पीएन सन डायोड होगा आपका वो क्या हो जाएगा, पश्चदिशिक संयोजन पे आ जाएगा ना, ये हो जाएगा पश्चदिशिक संयोजन पे आ जाएगा, क्योंकि जब ये निगेटिव होगा पीएन वाला पी से हो जाएगा, ये पश्चदिशिक संयोजन पे आ जाएगा, तो ये धारा को क्या करेगा, फ्लो नहीं होने देगा। जब धारा को फ्लो नहीं होने देगा तो ये तो धारा को फ्लो नहीं होगा होने देगा, तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध आर, लोड आर के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं उत्पन्न होगा, कोई विभवांतर नहीं मिलेगा आपको। यानी कि जब S1 क्या होता है, ऋणात्मक होता है तो धारा नहीं बहती है, यानी ये वाला सिरा, जब ये वाला सिरा क्या होता है, यहां पहुंचता है S1 पे, तब क्या होता है, आपको परिपथ में धारा नहीं मिलती है। तो यहां पे क्या होगा, कोई धारा या कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा इसके सिरों पर, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको। फिर तीसरे अर्धचक्र में, जब ये वाला सिरा तीसरे अर्धचक्र में क्या होता है, जब सिरा S1 पुनः धनात्मक होता है तो फिर ये अग्रदिशिक होता है, जब ये अग्रदिशिक होता है तो फिर क्या करता है, धारा को फ्लो होने देता है, फिर प्रतिरोध आर के सिरों पर आपको वोल्टेज मिलता है। यहां पे फिर देखो एक वोल्टेज आपको यहां पे फिर मिल रहा है। जब क्या हुआ, डायोड, जब डायोड अग्रदिशिक होगा तब तक क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से देखो यहां पे फिर हुआ, ऐसे ही क्या होगा, ये सिस्टम चलता रहेगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा ना, देखिए ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शो कर देंगे, ऐसे बना के शो कर देंगे। फिर क्या होगा, जब फिर ये क्या होगा, ऋण पे आएगा तो ये पश्चदिशिक होगा, डायोड पश्चदिशिक होगा, पश्चदिशिक होगा, धारा को नहीं बहने देगा। फिर अगले अर्धचक्र में क्या होगा, जब फिर ये देखो इसमें क्या होगा, ये पश्चदिशिक होगा, इसमें ये पश्चदिशिक होगा, धारा को नहीं फ्लो होने देगा। फिर जब ये सिरा S1, इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये फिर क्या होगा, धनात्मक होगा तो ये अग्रदिशिक होगा, अग्रदिशिक होने पर ये क्या करेगा, धारा को फ्लो होने देगा, फिर आपको वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, मिल जाएगा इस तरह से। अब क्या आपको दिख रहा है, जो आपको डायोड है, डायोड क्या काम कर रहा है, इस एसी तरंग का, निवेशी एसी तरंग के केवल आधे भाग का ही क्या कर रहा, दिष्टकरण कर रहा। दिष्टकरण करना माने एक दिशा में क्या कर देना, कर देना एक दिशा में वोल्टेज को, कर देना यानी एसी को किसमें बदल देना, डीसी वोल्टेज बदल देना। तो आर्ध तरंग का ही क्या कर रहा, दिष्टकरण कर रहा है। इस कारण से एक अकेले डायोड को हम लोग क्या कहते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह क्या करते हैं, एक अकेले डायोड को उपयोग में लाते हैं। ये हो जाएगा आपका निर्गत, निर्गत वोल्टेज आपका हो जाएगा, निर्गत वोल्टेज ना।
ये अर्ध तरंग के रूप में ही क्या करता है, दृष्टिकरण करता है, इसलिए डायोड को इस अवस्था में हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं। इस तरह से आप क्या करोगे, इसके कार्यविधि को लिख लोगे, इसको इसके रचना को लिख लोगे। लिखने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन होगा 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से, या तो अर्ध तरंग दृष्टकारी में से या तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी में से, एक ठू अवश्य ही हर साल पूछा जाता है। इसको ढंग से आप समझ के इसकी कार्यविधि को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। बातें अगर समझ में आई है तो सारी चीजों को लिख लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीएन सन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी की तरह कैसे यूज में लाएंगे, तो वो मिलेंगे हम लोग, देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।